रहमान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले ये हमारे पास है स्टर्नम, ये हॉर्स का स्टर्नम या ऑक्स का स्टर्नम और ये डॉग का स्टर्नम। अब ये तीनों की साइड है डॉर्सल साइड, ये भी डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। इसे कहते हैं हम क्रैनीफॉर्म कार्टिलेज या मेन्यूब्रियम, मेन्यूब्रियम के आगे क्रैनीफॉर्म कार्टिलेज। इसके अलावा ये कोस्टल कार्टिलेज, दरमियान में इनके नॉचेस, और जो ये एक स्टर्निब्री को दूसरे स्टर्निब्री को दरमियान में मिला रहा है वो है इंटर स्टर्निबल कार्टिलेज। ये कोस्टल कार्टिलेज अगेन, और इसके आगे होंगी कोस्टल आर्चेस, जैसे कि ये पड़ा, ये आगे करके ऐसे करके लगी होंगी, ये होती है कोस्टल आर्चेस, ठीक है। उसके कहते हैं ज़िफाइड प्रोसेस, और इसके आगे ये होता है ज़िफाइड कार्टिलेज, ठीक है। ये इसकी डॉर्सल साइड है, ये इसकी वेंट्रल साइड है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, जो इसकी डॉर्सल साइड है वो है कनकेव, ठीक है। वो अंदर से ये देखें ऐसे सी शेप बन रहा है कनकेव का, मगर जो इसकी लेटरल साइड है, वेंट्रल साइड है, वो है कन्वेक्स है, यानी कि बोर्ड शेप का, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो मेन्यूब्रियम है, मेन्यूब्रियम की लेटरल साइड जो है वो है कंप्रेस्ड है, इसके मेन्यूब्रियम साइड जो है वो कंप्रेस नहीं है बल्कि उभरी हुई है। इसका जो डॉर्सल साइड है वो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, और यहाँ भी हम कह सकते हैं इसे थोड़ी सी कन्वेक्स भी है लेकिन स्ट्रेट है, ठीक है। इसकी जो वेंट्रल साइड है वो जस्ट स्ट्रेट एंड कनकेव, हाँ, जस्ट स्ट्रेट और कनकेव है। इसकी जो वेंट्रल साइड थी वो कन्वेक्स थी, और ये कैनोवा टाइप, कैनोवा आई थी, कैनोवा टाइप, यानी कि बोर्ड शेप्ड है, जब ये ऐसे पड़ी होती है बोर्ड शेप्ड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्रस्ट है, हाँ, बताओ, वेंट्रल क्रस्ट, ये वेंट्रल क्रस्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें फर्स्ट रिब जिसने लगना है, वो फर्स्ट रिब की जो डिस्टल एंड है जब वो लगेगी तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, वो रिब्स जो होती हैं वो आपस में भी आर्टिकुलेट करती हैं और स्टर्नम पे भी करती हैं। और जो लेकिन जो इसमें है, इसमें अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, सॉरी, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। और इधर वो फ्यूज नहीं करती, और इसकी वजह से इसका जो डायमीटर होता है वो वाइडर हो जाता है, इसका डायमीटर जो होता है वो नैरो और लॉन्ग होता है, वो चीज़ चेक करें। अच्छा, इसके अंदर क्रैनीफॉर्म कार्टिलेज जो कि Z5 सॉरी मेन्यूब्रियम के आगे होता है वो एब्सेंट होता है, इसके अंदर भी वो एब्सेंट है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो है हॉर्स है वो है 7 स्टर्निब्री पे, ऑक्स भी 7 स्टर्निब्री पे, जो डॉग है वो है 8 स्टर्निब्री पे। अब जो हॉर्स है उसके अंदर टोटल होती हैं 18 रिब्स, जिसमें से 8 रिब्स हैं वो इन कोस्टल कार्टिलेज के साथ अटैच होती हैं, जिसे हम कहते हैं टू रिब्स कहते हैं, और स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। और जो बाकी 10 होती हैं वो कोस्टल आर्चेस के साथ अटैच होती हैं, उन्हें हम कहते हैं ए स्टर्नल रिब्स, और यहाँ पे ए स्टर्नल कहते हैं, और उसके यहाँ फॉल्स रिब्स कहते हैं। इसमें जो होती हैं, इसमें भी 8 जो होती हैं वो स्टर्नल होती हैं, और बकिया 5 जो होती हैं वो एक्सटर्नल होती हैं। इसके अंदर टोटल होती हैं 13, इसके अंदर ये 8 स्टर्निब्री हैं जिसके अंदर 9 स्टर्नल होती हैं, और बकिया 4 जो होती हैं एक्सटर्नल होती हैं, इसके अंदर भी टोटल होती हैं 13। उसके